लेकिन हर इंसान जूतों को अलग ढंग से पहनता है और इसीलिए हर इंसान के जूते का निशान थोड़ा अलग बनता है। ये सही है, लेकिन न सिर्फ फॉरेंसिक फुल प्रूफ नहीं है बल्कि ये अपराध सुलझाने की कोशिश का दुश्मन भी हो सकती है। टीवी सीरियल्स में फॉरेंसिक सबूतों का इतना जिक्र होता है कि पुलिस को लगने लगा है कि शायद इसी वजह से असली अदालतें बिना इन सबूतों के अपराधी को सजा ही नहीं देती। न्यूयॉर्क के रॉबर्ट डर्स्ट का केस ही ले लीजिए। 2001 में पुलिस को लग रहा था कि उसे तो कत्ल के मामले में सजा हो ही जाएगी। डस्ट ने माना कि उसने कत्ल किया है, लेकिन आत्मरक्षा में उसने लाश को ठिकाने लगा दिया, लेकिन उसका सिर नहीं मिल पाया। जूरी को लगा कि सिर से मिलने वाले फॉरेंसिक सबूतों के बिना वो डस्ट को अपराधी घोषित नहीं कर सकते और पुलिस ने इसे नाम दिया CSI। शुक्रिया। तो स्कोर बहुत सारे फैक्ट्स थे। जूलियस सीजर आज तक का पहला फॉरेंसिक केस था।